The topic is serious topic. People talk about addiction. So ये मैं कभी ज़िंदगी में तो serious हुआ नहीं, लेकिन आज होना पड़ेगा तो आज होंगे। जहाँ रोना होगा रोएंगे, जहाँ हंसना होगा हंसेंगे, जहाँ serious होना होगा होएंगे। तो today's topic is drug addiction. देख लो, चर्सी कर दी। बात कुछ होने से पहले जो जज करने आते हैं ना, मतलब उकाई से पहले जो उल्टी आती है, क्या मिसाल है तो वो उन लोगों को पहले साइड में कर देते हैं। मतलब देखो बात सुनो, मैंने जब उसके रिश्ते आ रहे थे तब मैं रिक्शा चला रहा था, और जब तुम लोग कंप्यूटर पे था, आपका पे स्कूटर पे था, तो जज मत कर। मेरा मुंह मेरी मर्जी .tv #, भाड़ में जाए लोग में, मेरे दो रूल्स हैं हाउ टू गेट ओवर दिस एडिक्शन फेज, इफ इट्स सोने की एडिक्शन, प्यार की एडिक्शन, ब्रेकअप की एडिक्शन, दुख में डिप्रेशन में रहने की एडिक्शन, या फिर ड्रग की एडिक्शन। रूल नंबर 1, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना बहुत जरूरी है। इट्स अ ड्रग एग्जांपल, तो चलो दो सिनेरियो रखते हैं। सपोज मुझे चर्च से निकलना है, चर्च पीने का दिल चाह रहा है, और एट द सेम टाइम मेरे दोस्त आ रहे हैं हैवी बाइक मुझे लेने के लिए, और उसका भी मुझे बहुत शौक है। तो अब सिनेरियो क्या है? ऑब्वियसली अ नॉर्मल पर्सन जिसको एडिक्शन है, ही विल गो फॉर अ चर्च। क्यों? क्योंकि वो सामने पड़ी है। सही, बाइक के लिए आप माहौल बनाओ, एक प्लान बनाओ, दोस्त आएंगे, वेदर देखो, बाहर का गर्मी है, सर्दी है, जैकेट पहनो, फिर जब बाइक में बैठोगे फिर तुम बोलोगे यार अच्छा हुआ नहीं पी। लेकिन वो जो बीच का सीन है ना, वो इजी टू गेट। तो एक बार मैंने इजी टू गेट वाला सिनेरियो छोड़कर बाइक पर बैठ गया, बाइक की आवाज सुन ली और वो जोन, बाइक वाले जोन में आ गया, तो किसी का बाप भी बोले ना कि हमजा तू चर्स पी, तुझे एडिक्शन है, तुझे याद नहीं यार, तेरी बेस्ट चीजें मैं नहीं पीऊंगा क्योंकि मैं अब बाइक के जोन में। जिस तरह एक चर्सी चर्स के जोन में जाके वापस नहीं आता। सो रूल नंबर 1 वाज, एक एडिक्शन से निकलने के लिए आपको दूसरी एडिक्शन में घुसना बहुत जरूरी है। वो लोग जो ड्रग्स के गैंग के साथ बैठ के बोलते हैं कि आज से मैं नहीं पीऊंगा यार, मैंने छोड़ दिया, प्लीज 2 दिन नहीं पी, 3 दिन नहीं पी। अबे तू नहीं छोड़ सकता, तू अपने आप को पागल बनाना छोड़, ऐसा कभी नहीं हो सकता भाई। रूल नंबर 2 डियर जिंदगी में, शाहरुख खान आलिया भट्ट कहता है कि क्यों हम बहुत मुसीबत में पड़कर अपने आप को मुसीबत में डालकर ये सोचते हैं कि यार सबसे मुश्किल काम करेंगे तभी इसको बैलेंस कर सकते हैं, क्यों हम अपनी मुश्किल में सबसे आसान काम जो हमें दिख रहा हो वो क्यों नहीं करते। स्ट्रगल में आकर मुश्किल काम ये नहीं कि मतलब ज्यादा पानी पी के पिछली रोक ली, सही है, चाय से चौमिन तक कुछ नहीं खा रहे, हग नहीं रहे, एंड फिर पीपल एंड अप इन सुसाइड, के वो मुश्किल वक्त में मुश्किल हालात में मुश्किल काम चुनते हैं और वो उनसे नहीं होता, एंड दे गिव अप एंड दे सुसाइड। वो ये नहीं सोचते कि यार आसान काम थोड़ी देरी से होगा लेकिन इस हालात से मैं निकल जाऊंगा, मैं बेहतर हो जाऊंगा। इन दी एंड मेरा भाई, जो चीज तू गलत कर रहा है तू उससे जिंदगी भर भाग मेरे घंटा से, लेकिन अगर तू कभी सोचेगा ना कि अब मुझे आज से नहीं करनी, तो मेरी कसम 1 इंच पीछे मत होना। माय नेम इज हमजा इब्राहिम, भाई का काम 25 है, ये थी खबर आज तक की, भाड़ में जाइए कल तक, एंड पीस।